सो हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। तो ये पार्ट 3 है और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है। देखो, इन्वेस्टमेंट करें या फिर ट्रेडिंग करें, उसके बारे में भी जो भी है मैं आपको क्या डिफरेंस है वो भी बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग क्या होती है वो भी बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा कि आपको मतलब किसी को अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा ना तो 2 मिनटों में कर दोगे आप, है ना। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग सही रहेगी वो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये पार्ट 3 है। अगर आप न्यू हो, आपने अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे हैं, सो सबसे पहले आप उनको देखिए, क्योंकि मैंने सीरीज चला रखी है कि मैं आप लोगों को जो भी है जीरो से सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से ऑप्शन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट वगैरह जो भी है जीरो से सिखाने वाला हूँ और ये पार्ट 3 है। So, पहले उनको जाकर देखिए एंड उसके बाद ही आपको ये पार्ट समझ में आने वाला है। सो अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो और इन्वेस्टमेंट वगैरह ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो से सीखना चाहते हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम बिल्कुल बेसिक से जो भी है ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं और अभी सिखा रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे। मैं पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल बड़ी आसानी से। देखो, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना। ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। ट्रेडिंग का हिंदी में जो भी है, हिंदी में मतलब होता है व्यापार। अब ट्रेडिंग का आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूं। देखो, आप बाजार गए, बाजार जाने के बाद आपने, मान के चलो आपने कोई दुकान कर रखी है, परचूने की दुकान कर रखी है, एंड वहां से आप क्या करती हो, आप सामान बेचती हो, है ना। सोच के देखो, सपोज करो आप थोक पर सामान लाते हो, यानी कम रेट पर सामान लाते हो, लाइक आलू मान के चलते हैं। फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में मैंने आलू ही लिए थे एंड आलू याद आते हैं, नहीं पता क्यों। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप आलू लाए बाजार से 20 रुपए किलो, एंड लाने के बाद आपने क्या किया, उस आलू को किसी कस्टमर को 30 रुपए किलो सेल कर दिया। 20 रुपए किलो आप आलू लाए और 30 रुपए किलो आपने सेल कर दिया, जो 10 रुपए का प्रॉफिट होया ना, तो उसे ही हम ट्रेडिंग कहते हैं आसान भाषा में। देखो, आसान भाषा में बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप ज्यादा इसके अंदर घुसोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रेडिंग बेसिकली इसे ही कहते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, है ना। तो उसी तरह से ट्रेडिंग शेयर मार्केट में हम शेयर को खरीदते हैं कम रेट में खरीदते हैं। लाइक हमने शेयर को खरीद लिया, जैसे कि मार्केट ओपन हुई 9:15 पर और हमने उस शेयर को बाय कर लिया 90 रुपए में। 90 रुपए में जैसे ही बाय कर लिया, उसके बाद जो भी है, हमने एक दिन डट गए, 2 दिन डट गए, उसके बाद वो शेयर जो भी है बढ़कर 100 रुपए का हो गया और हमने उसको सेल कर दिया। हमने 90 रुपए का खरीदा और 100 रुपए का हमने सेल कर दिया, सो 10 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ हमें, सो उसी को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो यही है बेसिकली ट्रेडिंग। सो उम्मीद करता हूं आप ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल आसानी से जान चुके होंगे। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अब अंतर बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। देखो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें ना आपको 100% रिस्क होता है, अगर आप बगैर नॉलेज के ट्रेडिंग करते हो। देखो, नॉलेज होगी तब भी मतलब मैं कहूंगा कि रिस्क को रहता है। देखो, नॉलेज अगर आपने ली है तब भी रिस्क रहता है ट्रेडिंग में, तो देखो ये सभी को पता है ट्रेडिंग में रिस्क रहता ही है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट में आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिस्क नहीं रहता, क्या पता शेयर मतलब ज्यादा ही गिर जाए। मतलब देखो, अगर आप मतलब ज्यादा ही सर्चिंग करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, सो उसमें कम चांसेस होते हैं आपके लॉसेस होने के। और जो ट्रेडिंग में है उसके 100% चांसेस होते हैं लॉसेस होने के। सो इन्वेस्टमेंट एक तो देखो काफी दिनों के लिए की जाती है, दिनों के लिए नहीं सालों के लिए, और ट्रेडिंग है ना वो 1 साल के लिए की जाती है। अगर 1 साल से ऊपर हो जाता है आपको तो उसको ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, है ना। सो ट्रेडिंग 1 साल के लिए की जाती है और इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी इन्वेस्टर ट्रेडिंग को हम शेयर मार्केट में खरीदना और बेचना, इसी को ही हम ट्रेडिंग कहते हैं। खरीद कर कोई प्रोडक्ट शेयर और उसको प्रॉफिट में बेचना हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे एंड इन्वेस्टमेंट का भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और जो ट्रेडिंग है ना उसमें हमें जो भी है टेक्निकल एनालाइज के बारे में जानना होता है ट्रेडिंग में, जैसे कि चार्ट पैटर्न को देखना होता है ना,
कैंडल स्टिक को देखना होता है एंड कई ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडिंग में काम आती है। और इन्वेस्टमेंट में हम कंपनी के फंडामेंटल को चेक करते हैं, फंडामेंटल लाइक कंपनी करती क्या है, कंपनी पिछले एक साल में कितना प्रॉफिट किया है, कंपनी ने किस तरह की कंपनी है, आगे जाकर कंपनी कितना ग्रोथ करने वाली है, क्या कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, है ना। कंपनी के फंडामेंटल को हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, और ट्रेडिंग में हमें टेक्निकल एनालिसिस को चेक करना होता है। सो बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में जान चुके होंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है। एक पॉइंट और बता देता हूं आपको, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडर कहलाओगे, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप इन्वेस्टर कहलाओगे, है ना। ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडर कहलाओगे, इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टर कहलाओगे। और देखो ट्रेडिंग होती है वो एक साल के लिए होती है, यानी अगर एक साल से ऊपर आपने जो भी स्टॉक को होल्ड करके रख लिया तो उसको हम ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब एक से दो साल, तीन साल, चार साल, और ट्रेडिंग एक साल के अंदर ही होती है, सो उसी को हम ट्रेडिंग बोलेंगे। अब देखो ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट किया जाता है, यानी कम समय में प्रॉफिट बुक कर अपने घर को, एंड इन्वेस्टमेंट में जो भी हमें पेशेंस रखना पड़ता है लॉन्ग टर्म तक, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितनी भी आपकी मर्जी हो। सो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में आप जान चुके हैं, क्लियर आपको हो चुका है, मुझे पता है इनके बारे में डिफरेंस आपको पता चल गया है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है ना। अब देखो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में देखो बेनिफिट और बता देता हूं। देखो ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको जो भी प्रॉफिट जल्दी हो जाता है, लेकिन रिस्क होता है 100%। और इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट हो जाता है, ट्रेडिंग से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको समय देना पड़ेगा, वहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अभी चाहिए तो आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आपको काफी दिनों के बाद आप पेशेंस करके बैठते हो कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं और प्रॉफिट जो फल होता है वो 10 साल, 5 साल के बाद मिले, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट में आपको जो फल मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो काफी सालों के बाद मिलेगा। और ट्रेडिंग में आपको जस्ट आप चाहते हो तो 5 मिनट के अंदर कर सकते हो, आप चाहते हो तो एक दिन में जो भी है काफी पैसे भी कमा सकते हो, काफी का मतलब बहुत ज्यादा। इन्वेस्टमेंट में ये पॉसिबल नहीं है, हैं? तो यही है बेसिकली। अब मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। देखो दोस्तों वैसे ट्रेडिंग 5 प्रकार की होती है, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको 4 प्रकार की ही ट्रेडिंग बताऊंगा, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग है वो मतलब कोई करता नहीं है, और इंडिया में तो खासकर उस ट्रेडिंग को कोई करता नहीं है, और किसी को पता भी नहीं होगा उस ट्रेडिंग के बारे में। मैं सिर्फ आपको 4 ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर तो आपको पता होगा इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा है। सो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग का नाम बता देता हूं आपको, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको पता है क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली जैसे कि मान के चलो आपने आज कोई स्टॉक बाय किया एंड उसको आपको आज ही सेल करना होगा, इंट्राडे, यानी इंट्राडे मतलब एक दिन की ट्रेडिंग, आपको इंट्राडे सिर्फ एक दिन के लिए करना है। मतलब कि आपको एक दिन से अगर फालतू हो गया, वैसे होगा नहीं क्योंकि 9:15 पर मार्केट ओपन होती है एंड 3:30 पर मार्केट जो भी है 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है। क्लोज होने से पहले जिस भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, लाइक एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो, किसी के साथ हो, आपका जो शेयर आपने बाय कर रखा है ना इंट्राडे में कर रखा है अगर, तो वो आपको अगर आप सेल नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका ब्रोकर सेल कर देगा, ठीक है ना। तो इंट्राडे एक दिन के लिए होता है, इसमें आपको एक दिन के अंदर ही प्रॉफिट बुक कर जो भी है अपने घर को निकल जाना होता है, तो इंट्राडे इसे ही कहते हैं। मतलब आज ट्रेडिंग की सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है 9:15 पर, और उसके बाद ट्रेड लिया आपने, कोई भी स्टॉक बाय किया एंड बाय करने के बाद जो भी है शाम तक आपको सेल करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सो इसे कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड दूसरी मैं बात करता हूं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपने शायद सुना होगा, स्विंग का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसे ही कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली एक हफ्ते या कुछ हफ्तों के लिए की जाती है। स्विंग का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि चार्ट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, अगर वो चार्ट देखोगे ना तो एक हफ्ते में या फिर एक महीने का चार्ट इस तरह से ऊपर नीचे होता है ना, सो उसे हम स्विंग कहते हैं। इसमें देखो ये स्विंग ट्रेडिंग ना बेसिकली मतलब एक हफ्ते या कुछ दिन के लिए की जाती है, लाइक 2 हफ्ते हो गए या फिर 1 हफ्ता हो गया या फिर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, इस तरह से, है ना। इस ट्रेडिंग में देखो आपको पूरे दिन मतलब लैपटॉप पर बैठे नहीं रहना पड़ता, क्यों? क्योंकि देखो आप कम दाम पर शेयर खरीदते हो और उसको 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उसे आप बेच देते हो। सो बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसे ही हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि एक हफ्ते में उस शेयर का प्राइस घटा, आपने खरीद लिया, उसके बाद एक हफ्ते या दो हफ्ते के बाद उस शेयर का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि देखो जो ग्राफ होता है वो नीचे आएगा, शेयर का प्राइस घट गया, आपने यहां पर बाय कर लिया, उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर गया, तो वो स्विंग बन गई ना, स्विंग, ऐसे ग्राफ आया ऊपर गया, फिर ऊपर गया तो आपने सेल कर दिया। अब वो ऊपर जाए, एक दिन में जाए, दो दिन में जाए, एक हफ्ते में जाए, है ना। सो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकती हो। इससे जो भी है स्टूडेंट कर सकता है, कोई जॉब पर्सन है वो भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सारे दिन बैठने की जरूरत नहीं है लैपटॉप पर। क्यों? क्योंकि देखो ये हफ्ते, एक हफ्ते के लिए किया जाता है, दो दिन, तीन दिन, जब भी आपकी मर्जी, आपको प्रॉफिट दिखता है आप सेल कर सकती हो। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग इसे ही कहा जाता है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। नंबर तीन, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अब देखो ये ट्रेडिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, देखो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कुछ सेकंड और कुछ मिनट के लिए ही की जाती है, कुछ सेकंड और कुछ मिनट के अंदर ही आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, तो यही होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाता हूं। जैसे 9:15 पर मार्केट ओपन हुई एंड आपने पहली कैंडल पर ही जो भी है शेयर को बाय कर लिया, एंड उसको बाय करने के बाद जैसे ही कुछ सेकंड कुछ मिनटों के बाद प्रॉफिट होता है, सो उसको बुक कर सेल कर आप जो भी है अपने घर को निकल जाते हो। सो इसे ही कहते हैं हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। बेसिकली ये देखो सेकंडों के अंदर ही की जाती है, मिनटों के अंदर ही की जाती है, अगर ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वो अलग ट्रेडिंग हो जाती है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कुछ सेकंड और कुछ मिनटों की होती है। अब देखो फोर्थ ट्रेडिंग है, उसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। देखो बेसिकली ये ट्रेडिंग एक महीने या एक महीने से ज्यादा के लिए की जाती है। आप शेयर को बाय करते हैं एंड कम प्राइस में आप बाय करते हैं शेयर को, एंड उसके बाद एक महीने तक उसको होल्ड कर रखते हैं, एंड उसके बाद जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखता है आप उसे सेल कर देते हैं। सो पोजिशनल ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो बाकी ट्रेडिंग से कम रिस्की होती है, क्योंकि इसमें आप है ना ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो, है ना। सो इसलिए ये रिस्की थोड़ी सी कम होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग में देखो आप एक महीने से लेकर एक साल तक किसी भी शेयर को होल्ड करके रख सकते हो, एंड जैसे ही प्रॉफिट होता है आप उसे सेल कर सकते हो। एंड देखो जो उतार चढ़ाव आता है इस ट्रेडिंग में, जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, तो इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप समझ चुके होंगे। अब देखो फाइव ट्रेडिंग की मैं बात करता हूं, बाय टुडे सेल टमारो, यानी BTST ट्रेडिंग। इसे हम क्या कहते हैं, बाय टुडे और सेल टमारो। जैसे कि कैसे, जैसे कि मान के चलो आज मार्केट ओपन हुई, मान के चलो आज 19 नवंबर है, 19 नवंबर को मार्केट ओपन हुई 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, उसके बाद 3:30 पर मार्केट क्लोज होती है, उससे पहले आपने कुछ शेयर को बाय कर लिया, बाय करने के बाद होल्ड कर दिया, होल्ड करने के बाद आपने आज बाय किया और उसको कल सेल कर दिया, बाय टुडे और सेल टमारो। तो आज बाय किया और कल आपने सेल कर दिया, प्रॉफिट जो भी बनता है, मार्केट जैसी ओपन होती है 9:15 पर आपको प्रॉफिट दिखता है, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, जितना भी है, सो उसे आप सेल कर देते हो। तो इसे ही हम कहते हैं BTST ट्रेडिंग, बाय टुडे एंड सेल टमारो ट्रेडिंग। सो आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है ना, कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है, किस किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। वैसे ट्रेडिंग और भी है, ट्रेडिंग काफी ट्रेडिंग है, लेकिन देखो हमारे लिए बस इतना ही काफी है, इतनी ही ट्रेडिंग काफी है। हम देखो बेसिकली सबसे ज्यादा इंडिया में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, है ना, यही ट्रेडिंग करते हैं, BTST ट्रेडिंग भी करते हैं। सो इन ट्रेडिंग के बारे में भी आपको मतलब थोड़ा सा जानना है, और वो आप जान चुके हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। सो आप देखो खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हो। बेसिकली आप सारी ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अनुसार या अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आपके पास कितना टाइम है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग सिलेक्ट कर सकती हो कि मेरे लिए कौन सी ट्रेडिंग है। और जो ट्रेडिंग होती है उसमें 100% रिस्क होता है, ये तो आपको पता होगा। इन्वेस्टमेंट में हम नहीं कह सकते कि 100% रिस्क है ना। सो आपको पता चल गया है कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है ना, कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है। उम्मीद करता हूं देखो आपको ये चीजें काफी समझ में आनी चाहिए यार, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से समझाया, बहुत बारीकी से समझाया, आपको आनी चाहिए आपको समझ में। एंड फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है सो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहती है। आप इंस्टाग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, फाइनेंस विद बलराम, एंड इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर आप न्यू हो। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में देखते हैं हम आपको क्या सिखाते हैं, बहुत ही
बेसिक से बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ, धीरे धीरे से आपको बहुत ही ऊपर ले जाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।